हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टोवर्स में, और मैं हूं आपका दोस्त आशीष। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ेप्पे के बारे में। रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई है कि ज़ेप्पे अपने पोर्टफोलियो में इथेरियम को ऐड करने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट न्यूज़ है। और इन्होंने अब एक बहुत अच्छा काम किया है कि अपने पोर्टफोलियो में एक बेस्ट कॉइन को ऐड किया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूं। ये मेरी सिर्फ राय है। कॉइन को बाय करना या सेल करना वो आपकी इच्छा या आपकी मर्जी है। कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको डे टू डे लाइफ में मिलती रहे। और एक बेल का भी आइकन होगा, उसे भी दबाएँ, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपके पास इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। और तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कब शुरू होने वाला है। ये शुरू होगा आज यानी कि 23 फरवरी को शाम को 5 बजे से, जिसमें कि आप इथेरियम वॉलेट एक्टिवेट करने के बाद आप बाय और सेल कर पाएंगे, किसी को सेंड कर पाएंगे और किसी से इथेरियम रिसीव भी कर पाएंगे। तो ये लोग वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इथेरियम बेसिकली है क्या चीज़। तो दोस्तों, मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इथेरियम का इंट्रोडक्शन देने की। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि इथेरियम एक्चुअली में, तो इथेरियम काम आता है हमारे एज अ कॉइन होल्डिंग के लिए। थोड़े टाइम बाद ये स्टेकिंग में भी काम आएगा। अभी हम लोग इससे जैसे कि ICOs बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका प्राइस जनवरी में मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक गया था, और जिसने कि तकरीबन 5 लाख% रिटर्न दिया है इन्वेस्टमेंट में INR में। तो दोस्तों, इथेरियम बाय या सेल करने से पहले, रिसीव या सेंड करने से पहले हम लोग इनके टर्म्स पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये लोग कहते हैं कि जब तक नो कन्फर्मेशन नहीं होंगे ब्लॉक्स के, तब तक आपको इथेरियम रिसीव नहीं होगा, जिसमें कि 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपकी गैस पावर कम होगी तो हो सकता है वो 2 से 3 घंटे भी लग जाएँ। तो गैस पावर और गैस वेट का भी ध्यान रखें। और मिनिमम ट्रांजेक्शन दोस्तों 0.0001 इथेरियम होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और हो सकता है दोस्तों कि वो आपका इथेरियम कहीं ब्लॉकचेन में ही फंस जाए और ज़ीरो हो जाए, तो दोस्तों वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा और आपके पास वापस भी नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और मैक्सिमम 300 इथेरियम आप इसके इस वॉलेट पर भेज सकते हैं। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि कभी भी आप इस वॉलेट के थ्रू ERC20 टोकन्स बाय करने का कोशिश ना करें। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ERC20 और ERC721, ERC20 का ही अपग्रेडेड रूप है दोस्तों, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी ICO इस वॉलेट के ऊपर आप बाय करने का कोशिश ना करें, तो एक तरह से दोस्तों वो ICO आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ेप्पे ने अपने मीडियम वाले ब्लॉक के अंदर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं नीचे डाल दूंगा। और आई कैन नॉट सी इथेरियम ऑप्शन, अभी इस ऑप्शन को मैं आपको मोबाइल में अनेबल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इथेरियम वॉलेट को अनेबल करते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग सेंड और रिसीव कर सकते हैं, और हाउ टू चेक इथेरियम ट्रांजेक्शन डिटेल्स, तो इथेरियम की ट्रांजेक्शन किस तरह से चेक की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम लोग अपना इथेरियम वॉलेट किस तरह से ज़ेप्पे के वॉलेट में ऐड करें। जब आप अपना ज़ेप्पे का वॉलेट ओपन करेंगे तो उस कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और यहाँ पर आपके राइट टॉप में ये कुछ बिटकॉइन का आइकन नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ये 4 या फिर सिर्फ एक ही बिटकॉइन का लोगो या फिर बिटकॉइन का कॉइन नज़र आएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर आइए। लेफ्ट में जो ये 3 बार है हैमबर्गर मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे और इसी में ही यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है वेरीफिकेशन का, इस पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। जब वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये राइट में रिफ्रेश का बटन है, आपको इस पे क्लिक करना है। पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग के अंदर, क्योंकि वो पूरा वॉलेट ऐड करेगा इसके अंदर। वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और बैक करेंगे और वापस इसी राइट टॉप में आएंगे, तो हमें यहाँ पर सेकेंड नंबर पर इथेरियम का वॉलेट मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे इथेरियम के वॉलेट के अंदर। और अगर हम लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो अभी इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम है रेट्स को लेकर।
अभी रेट्स ठीक से नहीं आए हैं, ये शायद कुछ ग्लिच है इसके अंदर। तो कोई बात नहीं, अभी इसको रहने देते हैं। और अगर हम लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, पहले हम लोग को डिपॉज़िट करना है अपने अकाउंट के अंदर। और इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से, दोनों में से कोई भी हम लोग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रांसफ़र का या फिर ये वाला पे यू मनी वाला, जिसमें कि बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। और सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, बट इसके अंदर मिनिमम 2500 है। 2500 डाला इसके अंदर, क्लिक किया, प्रोसीड टू पे करेंगे, तो उसके बाद ही आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर ले जाएगा दोस्तों। तो पेमेंट गेटवे के बाद दोस्तों जब हमारे पास बैलेंस ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हमें टोटल बैलेंस दिखा देगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बाय के ऊपर, बाय पे क्लिक करना है दोस्तों, और हमें यहाँ पर अमाउंट डालना है दोस्तों। यहाँ पर अमाउंट से मतलब है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपको चाहिए। सपोज़ कीजिए 0.001 जब डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 85 रुपीस का अमाउंट आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और सेट प्राइस जो होगा, तो राइट और टॉप में ये दोनों दिखाया हुआ है, लास्ट प्राइस और बाय प्राइस। तो जो भी यहाँ पर चल रहा होगा दोस्तों वो यहाँ पर डाल दीजिए 85,000, या फिर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर दीजिए, तो एज़ पर देम यहाँ पर 1,000 मिनिमम होना चाहिए। तो सब चलिए यहाँ पर इसको हम लोग 0.02 कर लेते हैं, फिर प्लेस करते हैं ऑर्डर। तो अभी जैसे कि इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाया, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इथेरियम बाय कर लेगा दोस्तों। तो ऐसे ही जब सेल करना चाहेंगे तो सेल में आए दोस्तों, यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर डाल दें, जो भी सेल करना चाहते हैं वो इस बॉक्स में डाल दें। और फिर यहाँ पर 85,000 जो अभी करंट प्राइस चल रहा होगा उसको ओके करें और प्लेस सेल कर दें। तो अभी क्वांटिटी जैसे अभी कुछ भी नहीं हमारे पास, तो अभी हम लोग उसको सेल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब हम लोगों को कहीं से रिसीव करने हैं दोस्तों, तो रिसीव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर रिसीव वाले बटन पर क्लिक करें। ये आपका इथेरियम एड्रेस है दोस्तों, तो ये आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर बार कोड के ऊपर जाएं, कॉपी करें, ओके कर दें, और जहाँ पर भी सेंड करना है वहाँ पर जाके इसको सेंड कर दें। तो ये आपका इथेरियम वॉलेट एड्रेस हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई ERC वॉलेट नहीं है, तो यहाँ तो ये कभी भी टोकन बाय करने के लिए नहीं दीजिएगा। और कहीं पर सेंड करना है दोस्तों, तो सेंड पर क्लिक करें। यहाँ पर इथेरियम एड्रेस सर्च करने के लिए कह रहा है, तो अभी तक हमने जैसे कोई इथेरियम एड्रेस ऐड नहीं किया है तो सर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्लस वाले साइन पे क्लिक करें और यहाँ पर नाम डाल देते हैं। और उसके बाद चाहे तो यहाँ पर आप मैन्युअली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इथेरियम एड्रेस को, या फिर आप अगर आपके पास QR कोड है तो यहाँ कैमरा वाले बटन पे क्लिक करें, और जैसे कि देखा दोस्तों आपने, जैसे ही उसने स्कैन किया और यहाँ पर आपके इथेरियम एड्रेस उसने सेव कर दिया। और यहाँ पर आप अमाउंट डालिए जितना भी आप सेंड करना चाहते हैं, 0.1 सेंड पे क्लिक कर दें और ये चला जाएगा। अभी हमारे पास नहीं है बैलेंस, तो अभी हम लोग नहीं सेंड कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो इथेरियम एड्रेस इन फ्यूचर के लिए आपके पास सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इथेरियम की ट्रांजेक्शन किस तरह से चेक की जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा बॉटम में इस हिस्ट्री वाले टैब के ऊपर। और इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शंस ओपन होंगे, ट्रांजेक्शन रुपीज़ में, ट्रांजेक्शन इथेरियम में, ट्रांजेक्शन ट्रेड। तो हम लोग आएंगे ट्रांजेक्शन में दोस्तों। तो ट्रांजेक्शन में हमें इसी जगह पे हमारी ट्रांजेक्शन नज़र आ रही होंगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स, तो उसके थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह से एक्चुअली में ट्रांजेक्शन चेक की जाती है। तो बैक कीजिए, बिटकॉइन में आते हैं, वापस हिस्ट्री में, बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स में। और अगर हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों बिट्रेक्स वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे हमें दिखाएगा शो डिटेल्स। तो शो डिटेल्स में जब हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, तो ये जो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन है, यही हमारी, इसको हम लोग ट्रांजेक्शन हैश कहते हैं दोस्तों। तो ट्रांजेक्शन हैश हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, ओके करेंगे, क्रोम या जो भी आप अपना ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसे ओपन कीजिए और उसमें आइए। तो दोस्तों हम लोग आएंगे ETHscan.io के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन सर्च बार में हम लोग यहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन डालेंगे और उसको सर्च करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सर्च नहीं कर रहा है क्योंकि ये बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन है, तो ये ट्रांजेक्शन दोस्तों सर्च नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग आकर ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम लोग ऐसे रैंडम चेक करें सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि तो जैसे कि थोड़ी देर पहले ये ट्रांजेक्शन हुई है, ब्लॉक जिसका ब्लॉक नंबर 5143773
तीन ब्लॉक कन्फर्मेशन हो चुका है इसका, और एक मिनट पहले ही ट्रांजेक्शन हुई थी, इस वॉलेट से भेजी गई थी और इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे भेजी गई है। गैस लिमिट इतनी थी और जिसमें कि ऑटोमेटिकली ये इतनी गैस लिमिट यूज़ की गई है। यहाँ पे 12 गैस वेट है और जिसकी टोटल ट्रांजेक्शन फीस लगी है $1.60, और टोटल जो क्यूमुलेटिव मतलब जो भी इन्होंने गैस यूज़ करी है वो इतना है। तो इस तरह से हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं कि ये अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा इस बार का वीडियो कि जेप पे वॉलेट में किस तरह से हम लोग अपने इथेरियम वॉलेट को ऐड करें, किस तरह से इथेरियम बाय करें या सेल करें, या फिर किस तरह से हम इथेरियम को सेंड करें और रिसीव करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, और अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं डे टू डे बनाता रहूं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।